वेलकम इन तरुण सर ऑनलाइन क्लासेस प्रोज क्लास टेन चैप्टर वन ए लेटर टू गॉड क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर वन वाट डिड लेंचो हॉप फॉर लेंचो किस चीज की कि आशा कर रहा था आंसर लेंचो हॉप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन लेंचो बारिश वर्षा जल की आशा कर रहा था इसी से उसके फसल बच सकते थे क्वेश्चन नंबर टू वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस आंसर लेंचो सेट द ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज हिज क्रॉप रियली नीडेड रेन टू बी ए गुड हार्वेस्ट लेंचो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइंस नए सिक्के से तुलना क्यों कर रहा था इसका उत्तर है लेंचो रेन ड्रॉप्स को नए सिक्कों से इसलिए तुलना कर रहा था चूंकि उसके फसल को बचाने के लिए बारिश के जल की सख्त जरूरत थी और बारिश के जल उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने महत्वपूर्ण न्यू कॉइन्स हमारे लिए होते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेन्स टू लैंस फील्ड आंसर द रेन चेंज इन टू ए हेल्स स्ट्रॉम हेल्स फेल ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्न फील्ड एंड द होल वैली डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड कंप्लीटली जब बारिश हुई मुसलाधार, तो क्या क्या परिवर्तन हुए क्या क्या हुए और इससे लेंचो के जो फसल थे उसकी जो जमीन थी जहां वो खेती किया था उसमें क्या परिवर्तन आया क्या हुआ द रेन चेज इन टू ए हेलस्ट्रॉम हेलस्ट्रॉम मैंने मुसलाधार बारिश जब बारिश हुई मुसलाधार रूप ले लिया तो इससे बहुत परिवर्तन हुआ हेल्स फेल ऑन द हाउस हेल्स माने ओला ओला घर के ऊपर द गार्डन बगीचे के ऊपर द हिल साइड घाटी के चारों ओर पहाड़ी के चारों ओर द कॉर्न फील्ड जहां पे फसल हुए थे उस खेत पर एंड द होल वैली और पूरी घाटी पूरे घाटी पर गिरे और द डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड कंप्लीटली फलस्वरूप क्या हुआ लेंचो का फील्ड पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप जब बारिश थमी उस समय ओला गिरना बंद हुआ उस समय लेंचो का फीलिंग कैसा था लेंचो आंसर लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन द हेल हैड लेफ्ट नथिंग ही फेल्ट दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर जब बारिश थमी ओले गिरने बंद हुए तब लेंचो के पूरे फसल बर्बाद हो चुके थे वो पूरी तरह टूट चुका था हेल हैड लेफ्ट नथिंग ओला कुछ भी बचा कर नहीं रखा था खेत में और वो महसूस करने लगा लेंचो जैसे कि इस वर्ष फसल ही नहीं हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव हु और वाट डिड लेंचो है फैथिन वाट डिड यू डू लेंचो का किस पर भरोसा था और उसने क्या किया आंसर लेंचो है डीप हैथ इन गॉड ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प ऑल नो वन वुड डाई ऑफ हंगर ही सी एवरीथिंग लेंचो का भगवान पर पूर्ण विश्वास था गहरा विश्वास था ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प ऑल उसे पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर सबकी मदद करते हैं और इसलिए नोवन वुड डाई ऑफ हंगर भूख से कोई भी नहीं मरेगा इसी एवरीथिंग ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स लेटर लेंचो के द्वारा लिखे हुए पत्र को किसने पढ़ा आंसर द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर रेड लेंचो लेटर टू गॉड भगवान के नाम लेंचो ने जो पत्र लिखा था उसको सबसे पहले पोस्टमैन और पोस्टमास्टर के द्वारा पढ़ा गया क्वेश्चन नंबर सेवन वट डिड द पोस्टमास्टर डू देन पत्र को पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया आंसर द पोस्टमास्टर burst into laughter लाफ्टर ऑन सींग द डीप फैथ ऑफ On ऑन गॉड ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हीज इंप्लाइज वैन गैव पार्ट ऑफ हि सैलरी ही पुट ऑल द मनी इन एनवेलप एंड सेंड इट टू लेंचो बाय राइटिंग सिंगल वर्ड गॉड लेंचो के पत्र को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने पहले तो इस तरह के पत्र को देखकर खिलखिलाकर हंसा उसके बाद वो अपने कार्यालय में काम करने वाले सभी इंप्लॉयी से सभी कर्मियों से कुछ कुछ पैसे कलेक्ट किए अपने सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसने उसमें लगाया और इन सारे पैसों को उसने इनवलप में लिफाफे में रखा और उसको लेंचो को भेज दिया नीचे लिखा गॉड गॉड के द्वारा भेजा जा रहा है क्वेश्चन नंबर एट वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ इस तरह का पत्र को प्राप्त करने के बाद इस तरह के इन्वलव को प्राप्त करने के बाद इस तरह के पैसों को प्राप्त करने के बाद जो उसने भगवान के नाम चिट्ठी लिखी थी और उसे पैसे मिले आंसर नो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट इट वॉज बिकॉज ही हैड फुल इन गॉड हु एवरीथिंग इवन इन वंस कंसाइंस नहीं किसी तरह का आश्चर्य को नहीं हुआ क्योंकि उसका ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था और उससे विश्वास था कि अगर वो भगवान के नाम पत्र लिखेगा तो भगवान ईश्वर अवश्य उसकी मदद करेंगे और उसने सोचा ईश्वर ने ही ये सारे पैसे उसे भेजे हैं उसके नुकसान होने के फलस्वरूप उसकी मदद के रूप में